हेलो दोस्तों, मैं दीपिका, आप सबका मैकेनिकल स्टडी में स्वागत करती हूँ। और आज अपन जो जियोग्राफिक इकोनॉमिक्स का अपना लास्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, राजस्थान के उद्योग। तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर आपके राजस्थान की जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स फिनिश हो जाएगी। हम शुरुआत करते हैं कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में अपनाई गई। कब अपनाई गई? 1948 में अपनाई गई। राजस्थान में, सॉरी, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में अपनाई गई। फिर देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर सर्वाधिक बल दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आए कौन सी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक उद्योगों पर बल दिया गया, वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 1948 में अपनाई गई। अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति अपनाई गई 1978 में। भारत में अपनाई गई 1948 में और राजस्थान में अपनाई गई 1978 में। अब आगे देखते हैं राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या, राजस्थान में टोटल जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है 36। कितने हैं? 36। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है 36। अब उद्योग उपकेंद्रों की संख्या देखें, जिला उद्योग उपकेंद्रों की संख्या, तो राजस्थान में जिला उद्योग उपकेंद्रों की संख्या है 8। कितनी है? 8। अगर हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक बृहत और मध्यम उद्योग कहां पर स्थापित है, तो सबसे पहले नंबर आता है जयपुर का। सर्वाधिक कहां स्थापित है? सर्वाधिक वृहद और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं वो जयपुर में है। फिर नाम आता है जयपुर के बाद अलवर का, तो जयपुर और अलवर में सर्वाधिक वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट देखें, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में राजस्थान का औद्योगिक कॉरिडोर में राजस्थान का प्रतिशत है 40%। तो हमें नेक्स्ट देखा, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, वो है 40% हिस्सा बताया। इसका दूसरा नाम भी है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं खुशहाली कॉरिडोर। इतना परसेंट हिस्सा बताया, 40% हिस्सा बताया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा किसको दिया गया? भीलवाड़ा को। किसको मिला है कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा? मिला भीलवाड़ा को। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां खोला गया? जोधपुर में। कहां खोला गया? जोधपुर में। तो इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेसिक जो चीजें उद्योगों के बारे में। नेक्स्ट अपन इसके बाद पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से भारत सरकार के द्वारा स्थापित उपक्रम है और वो कब स्थापित किए गए थे वो। फिर राजस्थान में जितने उद्योग है उन उद्योगों से रिलेटेड जितनी भी 3-4 इंपोर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे सबकी। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि प्रथम जो औद्योगिक नीति भारत में अपनाई गई थी वो थी 1948 में, राजस्थान में 1978 में। जो भारत में अगर अपन बात करें उद्योगों पर बल देना कौन सी पंचवर्षीय योजना से शुरुआत हुई थी, वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है 36 वर्तमान में। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या है 36 और उपकेंद्रों की जो संख्या है वो है 8। सर्वाधिक वृहद एवं मध्यम आकार के जो उद्योग है वो है जयपुर और अलवर में। नेक्स्ट मैंने बताया जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर या फिर जो खुशहाली कॉरिडोर के नाम जानते हैं उसमें राजस्थान का हिस्सा है 40%।
नेक्स्ट मैंने बताया जो कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा मिला है अभी वो मिला भीलवाड़ा को। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्रदेश में यानी राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से उपक्रम स्थापित किए गए, उनके नाम देखते हैं, कौन से ईयर में स्थापित किए गए और किसकी सहायता से वो स्थापित किए गए। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रम, भारत सरकार के उपक्रम शुरुआत करते हैं अपन, शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं HCL, हिंदुस्तान, क्या देख रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ? 1967 में, 1967 में HCL की स्थापना की गई। कहां पर? खेतड़ी झुंझुनू में। किसकी हेल्प से की गई, कहां पर स्थापना की गई, कहां स्थित है ये? खेतड़ी झुंझुनू में है, झुंझुनू। और किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई। तो फर्स्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हिंदुस्तान सांबर, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स लिमिटेड, पता है कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स की स्थापना की गई थी 1964 में। कब स्थापना की गई? 1964 में। इसमें जो 60% योगदान है वो था केंद्र सरकार और 40% योगदान है राज्य सरकार का। तो किसकी बात की अपन ने? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की, जिसकी स्थापना 1964 में सांबर में की गई, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार ने पूंजी लगाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ है? कनकपुरा जयपुर में है। कहाँ स्थित है ये? कनकपुरा जयपुर में स्थित है। इसमें जो पूंजी लगाई गई थी उसमें भारत सरकार का योगदान और रिको ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। किसने एस्टेब्लिश किया इसको? भारत सरकार और रिको ने। इसमें भारत सरकार का जो योगदान है वो है 51% और जो रिको का योगदान है वो है 49%। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 में हुई। किसकी हेल्प से? 1967 में अजमेर में इसकी स्थापना की गई। किसकी हेल्प से? चेकोस्लोवाकिया। किसकी हेल्प से इसकी स्थापना की गई? चेकोस्लोवाकिया की हेल्प से यहां पर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट अपन अजमेर में बात की, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हमें पता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना हुई उदयपुर में। 1966 में स्थापना हुई उदयपुर में, उदयपुर के कौन से गांव में? देवारी गांव में, वह चंदेरिया चित्तौड़गढ़ भारत सरकार के द्वारा उदयपुर में 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना हुई। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित
किया गया, किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। हमने उदयपुर की बात की और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की बात की। नेक्स्ट एक बचता है कोपर लिमिटेड भी हो गया। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, नेक्स्ट है एक इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। अगर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड पूछे तो जयपुर में, जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड पूछे तो कोटा में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड केवल पूछे तो वो है कोटा पे। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो है जयपुर में। स्थापना हुई थी 1964-65 में। इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। अब ये खत्म होते हैं यहाँ पे प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रम। अब हम एक एक उद्योग के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सूती वस्त्र उद्योग से, शुरुआत करेंगे सूती वस्त्र उद्योग से। शुरुआत करते हैं सूती वस्त्र उद्योग से। सूती वस्त्र उद्योग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो ये सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे प्राचीन उद्योग है। सबसे प्राचीन उद्योग अगर पूछे कोई तो सबसे प्राचीन उद्योगों ने सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे प्राचीन उद्योग है। अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में राजस्थान में सूती मिलों की संख्या कितनी है तो वो है, वर्तमान में सूती मिलों की संख्या, सूती मिलों की संख्या है 38 और सर्वाधिक का है भीलवाड़ा में। सर्वाधिक मिलों की संख्या का है भीलवाड़ा में, ठीक है। क्या बताया सबसे पहले, सबसे प्राचीन उद्योग सूती मिलों की संख्या 38 और सर्वाधिक जो है वो है भीलवाड़ा में। टोटल नंबर है 14 मिल है कहां पर? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम निजी क्षेत्र की मिल जो स्थापित हुई थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रथम निजी क्षेत्र की मिल, प्रथम निजी क्षेत्र की मिल के बारे में कुछ जान लेते हैं, जिसका नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसका नाम था दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1889 में, स्थापना हुई थी 1889 में। किसके द्वारा की गई? उनका नाम था दामोदर दास राठी। कहां पर की गई? तो इसकी स्थापना की गई ब्यावर में। तो हमने निजी क्षेत्र की मिल के बारे में सबसे पहले पढ़ा, जो प्रथम निजी क्षेत्र की मिल है उसका नाम है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना की गई 1889 में दामोदर दास राठी के द्वारा, कहां पर? ब्यावर अजमेर में उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती जो मिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की जो मिल है उसका नाम क्या है? महाराजा उमेद सिंह मिल, जो स्थित है पाली में। कहां स्थित है? पाली में। एक दो मिल के नाम बताती हूँ, बता देती हूँ कहां स्थित है। एक को हमें याद रखना एडवर्ड मिल। सेकंड जो मिल बनी थी राजस्थान में वो थी एडवर्ड मिल, जो कहां है? ब्यावर में। इसको याद रखना है बस कि एडवर्ड मिल्स कहां पे है। तो एडवर्ड मिल्स क्या है? ब्यावर अजमेर में है। तो इस सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमें इतना ही ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? तो सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे प्राचीन उद्योग है। राजस्थान में सूती मिलों की जो संख्या है वो है 38, सर्वाधिक जो संख्या है वो है भीलवाड़ा में 14। फिर मैंने बताया सबसे पहले प्रथम निजी क्षेत्र की जो मिल है उसका नाम है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1889 में दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में। सबसे बड़ी जो सूती मिल है, सूती वस्त्र की मिल है, उसका नाम है महाराजा उमेद सिंह मिल, जो पाली में स्थित है। नेक्स्ट मैंने एक मिल का नाम बताया एडवर्ड मिल्स, जो कहां स्थित है? ब्यावर में। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग के बारे में, सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत हुई थी राजस्थान में वो हुई है 1913 में। 1913 में
हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग में राजस्थान प्रथम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान में पहला जो सीमेंट का कारखाना था, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना, वो 1913 में स्थापित किया गया, जिसका नाम था एसीसी सीमेंट। कहां पर किया गया? इसकी स्थापना हुई लाखेरी बूंदी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद किया सीमेंट उद्योग के लिए वो है कि प्रथम सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ 1913 में, जिसका नाम था एसीसी सीमेंट, कहां पर? लाखेरी बूंदी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना, सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना, जिसका नाम है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। क्या बताया मैंने, राजस्थान का सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, और ये सबसे बड़ा कारखाना है और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भी कारखाना यही है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो कारखाना है वो भी कौन सा है? जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक कारखाना, इसका नाम है श्री सीमेंट कारखाना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कारखाना है जिसका नाम है श्री सीमेंट कारखाना, जो स्थित है ब्यावर में। इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि यहाँ सीमेंट ड्राई प्रोसेस विधि से बनाई जाती है। कौन सा प्रोसेस विधि फॉलो की जाती है? ड्राई प्रोसेस विधि। कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो श्री सीमेंट का कारखाना, एक है श्रीराम। जो श्रीराम सीमेंट का कारखाना है वो है कोटा में, और जो श्री सीमेंट का कारखाना है वो है ब्यावर में, जहां ड्राई प्रोसेस विधि से सीमेंट बनाई जाती है। कौन सी विधि से बनाई जाती है? ड्राई प्रोसेस विधि से सीमेंट बनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सफेद सीमेंट के कारखाने की, जो राजस्थान में प्रथम सीमेंट सफेद सीमेंट का कारखाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम सफेद, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सीमेंट का कारखाना, सफेद सीमेंट का कारखाना, राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है गोटन नागौर। कहां है? गोटन नागौर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कम से कम पता नहीं हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। फिर हम देखते हैं सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहां है, राजस्थान का सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है खरिया खंगार जोधपुर। कहां है? खरिया खंगार जोधपुर। तो सफेद सीमेंट का सबसे पहला कारखाना है गोटन नागौर, और सबसे बड़ा कारखाना है खरिया खंगार जोधपुर। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा सिर्फ सीमेंट के बारे में, प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ है, तो लाखेरी बूंदी करना है। और पूछे प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है, तो गोटन नागौर। फिर पूछे कि सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कौन सा है, तो जेके सीमेंट। जबकि सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है खरिया खंगार जोधपुर। श्री सीमेंट का कारखाना जो ब्यावर में है वो ड्राई प्रोसेस विधि से फेमस है। श्रीराम जो है वो है, श्रीराम सीमेंट का कारखाना है वो है कोटा में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चीनी उद्योग की। चीनी उद्योग में अपन तीन मिल के नाम पढ़ेंगे निजी क्षेत्र की। तीन मिलों के बारे में पढ़ेंगे अपन चीनी के लिए। तो शुरुआत करते हैं चीनी उद्योग की। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चीनी उद्योग के बारे में। तो चीनी उद्योग में अगर हम सबसे पहले देखेंगे गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में सर्वाधिक, क्योंकि गन्ना उसके लिए रॉ मटेरियल है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है?
वो होता है गंगानगर में, सर्वाधिक होता है गंगानगर में, फिर बूंदी में होता है, सर्वाधिक होता है गंगानगर में, फिर बूंदी में, फिर होता है राजसमंद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निजी क्षेत्र की मिल से। ये निजी क्षेत्र की मिल सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी? जो निजी क्षेत्र की मिल से शुरुआत करते हैं हम कि निजी क्षेत्र की मिल सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी, तो हम बात करते हैं मिल का नाम है द मेवाड़ सुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। निजी क्षेत्र की जो मिल थी चीनी क्षेत्र की वो है 1932 में। बहुत बार ये चीनी उद्योग में जो तीनों मिले हैं निजी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की और सहकारी क्षेत्र की, ये तीनों मिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन तीनों से क्वेश्चन पूछते हैं कि निजी क्षेत्र की सबसे पहली मिल कौन सी थी, सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी थी और सहकारी क्षेत्र की कौन सी थी। तो मैंने बताया 1932 में निजी क्षेत्र की जो मिल थी उसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की। तो नाम है गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड। क्या नाम बताया? गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर में है, नाम से पता चल रहा है गंगानगर में है, और 1945 में स्थापित की गई। कब की गई? 1945 में। नेक्स्ट आती है सहकारी क्षेत्र की। हमने निजी क्षेत्र की भी देख ली, दी मेवाड़ सुगर मिल्स लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की भी देख ली, अब बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की। नेक्स्ट है सहकारी सुगर मिल्स लिमिटेड, जो कहाँ है? केशव रायपाटन कहाँ है? बूंदी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, सहकारी वाली मिल पूछी जाती है एक तो बार बार, एक निजी क्षेत्र वाली पूछी जाती है। तो इन दोनों को, तीनों को ही ध्यान रखना है हमें। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1965 में, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1932, 1945 और 1965, ये हुआ यहाँ पे चीनी उद्योग। नेक्स्ट ऊन उद्योग है, जिसके बारे में बता देती हूँ फटाफट, ज्यादा है नहीं कुछ उसके बारे में, अधिकतर चीजें ऊन उद्योग के बारे में पता ही है पहले। अगर हम भारत के टोटल ऊन उत्पादन की बात करें तो देश के कुल ऊन उत्पादन का 40% राजस्थान में होता है। 40% कहां से प्राप्त होता है? राजस्थान से प्राप्त होता है। देश के कुल ऊन उत्पादन का 40% जो है वो राजस्थान से प्राप्त होता है। राजस्थान का जो स्थान है ऊन उत्पादन में वो प्रथम स्थान है। ठीक है, ऊन की जो सबसे बड़ी मंडी है राजस्थान की वो कहां है? बीकानेर में। ऊन मंडी कहां है राजस्थान की? ऊन मंडी कहां है? बीकानेर में है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। ऊन की मंडी तो है बीकानेर में, लेकिन फिर भी सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन होता है वो कहां होता है? जोधपुर में। तो ये दो पॉइंट है याद रखने हैं। ऊन विकास बोर्ड भी कहां है? जोधपुर में। ये दो चार चीजें छोटी मोटी मैं पहले आपको बता चुकी हूं। नेक्स्ट एक रह जाता है ऊन विकास के लिए अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट एक रह जाता है पॉइंट, ऊन विकास के लिए एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र। ऊन अनुसंधान केंद्र मालपुरा टोंक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बताया था लास्ट टाइम, तो इसको ध्यान रखना। ये एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र है, ये। ठीक है, जो चीजें बता चुके हैं पहले वो रिपीट करने की क्या जरूरत है? जैसे नमक के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सांबर सार लिमिटेड के बारे में पढ़ चुके हैं, वहां पर अभी उसकी स्थापना के बारे में हमने देख लिया है, हमें पता है कि 8.7% नमक
पूरे टोटल भारत का राजस्थान से प्राप्त होता है। तो ये चीजें हम देख चुके हैं, सांबर सार से प्राप्त होता है, तो ये चीजें हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं पहले। तो आगे देखते हैं, फिर एक मिनट बता देती हूँ कि सर्वाधिक ऊनी कपड़े का जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक ऊनी कपड़े का जो उत्पादन है, ऊनी कपड़े का उत्पादन वो कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ऊन उद्योग की बात की तो देश के कुल उत्पादन का 40% जो ऊन उत्पादन है वो कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। ऊन के उद्योग में देखें तो राजस्थान का जो स्थान है, राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है मालपुरा टोक, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र है। ऊन मंडी बताई मैंने बीकानेर में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक ऊन होती है जोधपुर में, जबकि ऊन की मंडी है बीकानेर में। ऊनी कपड़े के उत्पादन में सर्वप्रथम आता है भीलवाड़ा। अब ज्यादा नहीं है, एक और दो चार टॉपिक बचे छोटे मोटे वो बता देती हूँ। कांच उद्योग की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक कंपनी का नाम याद रखना है हमें, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क। कांच उद्योग की बात करें तो कांच उद्योग में एक ही कंपनी का बात करेंगे जिसका नाम है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। जो गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड है वहां पर चीनी बनाई जाती है और वहां शराब भी बनती है। उस कारखाने से बनती जो शराब है उसके लिए जो बॉटल्स की सप्लाई है, कांच की बोतलों की सप्लाई है, वो कौन करता है? ये हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री के द्वारा ही उसकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं, जो कांच का सर्वाधिक उद्योग है ना, कांच का राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक उत्पादन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो है धौलपुर। बस ये दो ही पॉइंट याद रखने हैं कांच उद्योग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कागज उद्योग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कागज उद्योग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कागज उद्योग के बारे में। शुरुआत करते हैं कि इसको राजस्थान में लाने का जो श्रेय है वो जाता है मानसिंह फर्स्ट को। किसको श्रेय जाता है? जयपुर में लाने का श्रेय जाता है मानसिंह फर्स्ट को। जयपुर में कागज उद्योग को लाने का जो श्रेय है वो जाता है मानसिंह फर्स्ट को। इन्होंने सबसे पहले जो स्थापित की थी, सर्वप्रथम जो इसकी स्थापना की थी कागज उद्योग की, वो की थी सांगानेर में। सांगानेर जयपुर में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करते हैं हाथ से कागज का निर्माण कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ से कागज का निर्माण कहाँ होता है? हाथ से कागज का निर्माण होता है गोसुंडी चित्तौड़गढ़। यहां से पता है एक क्वेश्चन और बनता है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। गोसुंडी चित्तौड़गढ़, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे गोसुंडी लेक। ठीक है, ये लास्ट ईयर 2016 में आरएस में क्वेश्चन आया था, कुछ था कि उसकी किसकी इस चीज की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो उसका आंसर था गोसुंडी जो लेक है वहां से मिलती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए अब आपके कि गोसुंडी लेक कहाँ है, अगर ये चीज आपने अच्छे से पढ़ी हो तो सिंपल सी बात है, जो गोसुंडी लेक होगा वो पर्टिकुलर गोसुंडी नाम की जगह उसी के नाम पे उसका नाम पड़ा होगा, तो कहाँ होगा गोसुंडी लेक? चित्तौड़गढ़ में। इसलिए हर एक क्वेश्चन से 50 अलग तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम एक पेज को प्रॉपर पढ़ते हैं तो आगे के 6 पेज के लिए हम बेस बना जाते हैं। इसलिए यही इम्पोर्टेंट होता है, यही नॉन टेक का सबसे बड़ा फंडा है। आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत हाथ से कागज निर्माण का कार्य गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में होता है मेनली, कुछ भाग इसका सांगानेर में भी होता है, थोड़ा बहुत काम सांगानेर में भी देखने को मिलता है। वनस्पति घी उद्योग, नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति घी के प्रथम कारखाने की स्थापना भीलवाड़ा में की गई। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? भीलवाड़ा में। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना खोला गया भीलवाड़ा में। वनस्पति घी का कारखाना कहाँ खोला गया? भीलवाड़ा में 1964 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये जितने भी राजस्थान के उद्योग थे
वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें मैंने वो सारे आपको यहाँ पर बता दिए, इनको बार बार रिवाइज करो याद हो जाएंगे। कुछ राजस्थान की हस्तकलाएं जो मैं दो चार नाम है वो बता देती हूँ मैं बहुत बार उनसे, वैसे हम जब आर्ट कल्चर पढ़ेंगे दोबारा इनकी डिटेल से, लेकिन अभी भी मैं दो चार है मुझे याद अभी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं अजरक प्रिंट, अजरक बोल दो अजरक बोल दो, अजरक प्रिंट कहाँ का फेमस है? बाड़मेर। बगू प्रिंट जयपुर, बगरू है जयपुर में एक जगह, ठीक है। अजरक प्रिंट बाड़मेर, बगरू प्रिंट जयपुर, एक आता है मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट। इनकी विशेषताएं क्या है वो अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, उसे जगह का नाम ही पूछा जाता है। मलीर प्रिंट है बाड़मेर, मलीर प्रिंट है बाड़मेर, बगरू प्रिंट हो गया, एक सांगानेर प्रिंट है, वो नाम से पता लग जाता है कि सांगानेर प्रिंट कहाँ का होगा, सांगानेर कहाँ जयपुर, सांगानेर प्रिंट। और एक और रह गया, सांगानेर प्रिंट हो गया, ये हो गया, एक बचता है अकोला छपाई, एक लास्ट है अकोला छपाई जो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ की फेमस है, चित्तौड़गढ़ की फेमस है। ये हो गया आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट। अजरक प्रिंट है बाड़मेर में, बगरू प्रिंट है जयपुर की, मलिन प्रिंट है बाड़मेर की, सांगानेर प्रिंट है जयपुर की, अकोला छपाई है चित्तौड़गढ़ की। मैंने जितना भी आपके आईपीएससी आईएन का सिलेबस था उस हिसाब से राजस्थान की जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स जितने शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करवा सकती थी मैंने वो पूरी कोशिश की आपको प्रोवाइड करने की। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ टॉपिक रह गया है तो प्लीज प्लीज आप कमेंट करें और हमें बताएं कि कौन सा टॉपिक रह गया है और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का वीडियो आपको कैसा लगा।